हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस का लेक्चर नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एसेंशियल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। कि एक न्यू बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। While planning and constructing an idea for starting a new business, following factors should be kept in mind. यानी जब भी कोई हम business, new business को start करते हैं, तो कुछ factors ऐसे होते हैं, कुछ elements ऐसे होते हैं जो हमें अपने mind में रखने पड़ते हैं। The successful running and establishment of business entirely depend upon them. और business की success या कामयाबी इसी चीज पर होती है कि जब हम इन steps को follow करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या हैं एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के। हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर डूइंग बिजनेस, के बिजनेस को कैसे चलाना है। इसका फर्स्ट स्टेप है नेचर ऑफ बिजनेस, कि सबसे पहले हमें बिजनेस की नेचर को डिसाइड करना होगा कि ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सर्विसेज बिजनेस है, ये हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप है हमारा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी जिस भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं हमें पहले चेक करना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई। अगर लगाई है तो हमें फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है उस बिजनेस को स्टार्ट करने की। हमारा थर्ड स्टेप है साइज, यानी हमें देखना होता है कि हमारा बिजनेस का साइज स्मॉल है, मीडियम है कि लार्ज है। हमारा फोर्थ स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन। हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्लेस, यानी जगह, हमें लोकेशन और जगह को भी बिजनेस की डिसाइड करना पड़ता है। हमारा सिक्स पॉइंट है गवर्नमेंट इंसेंटिव, हमें देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के मुताबिक हमें कौन कौन से इंसेंटिव मिल सकते हैं या नहीं। अब हमारा सेकंड स्टेप है फॉर रनिंग बिजनेस, यानी बिजनेस को रन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट, यानी हमें बिजनेस को रन करने के लिए मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी। सेकंड कैपिटल, हमें सरमाए की जरूरत होती है। थर्ड मशीन्स, हमें मशीन्स चाहिए होती हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमारा फोर्थ स्टेप है रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पावर रिसोर्सेस, हमें रिसोर्सेस चाहिए होते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेबर फोर्स, हमें लेबर की भी जरूरत होती है। नंबर सेवन एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बिना कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एफिशिएंटली की ही नहीं जा सकती, तो हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है अपने बिजनेस में। एट पॉइंट है हमारा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड हमारा इस स्टेप का लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी जरूरत होती है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, जो हमारी चीजें बायर से सेलर तक पहुंचाते हैं और सेलर से बायर तक पहुंचाते हैं। तो ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, जो हमारे चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, यानी ये एक मिडलमैन का रोल प्ले करते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है रिजल्ट ऑफ बिजनेस, यानी हमारे रिजल्ट क्या होंगे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के, ये भी हमें पहले देखना पड़ता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसका हमारा फर्स्ट स्टेप है फ्यूचर ऑफ बिजनेस, कि हमें बिजनेस के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसकी मार्केट कंडीशन, यानी उसकी मार्केट में उस बिजनेस की क्या डिमांड है, तब हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है चांसेस ऑफ लॉस, कि हमें देखना पड़ता है कि जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके कितने परसेंट चांस हैं लॉस में जाने के और कितने परसेंट चांस हैं सक्सेसफुल होने के। अब हमारा थर्ड पॉइंट है चांसेस ऑफ एक्सपेंशन, यानी कितने चांस होते हैं हमारा बिजनेस बढ़ने के, एक्सपेंड होने के, ये भी हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले देखना पड़ता है। अब हम डिटेल देखते हैं कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है विद अ व्यू टू डू बिजनेस, कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है जो हमें टेबल में रीड किया था नेचर ऑफ बिजनेस,
कि हमें एक बिजनेस की नेचर को डिसाइड करना पड़ता है। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इट्स नेचर इज ऑलवेज डिसाइडेड, यानी किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये किस नेचर का बिजनेस होगा। अब बिजनेस में भी इंगेज्ड इन ट्रेडिंग, या तो वो एक तिजारत का बिजनेस होगा, तिजारती बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी को या तो कोई प्रोडक्ट तैयार करने का बिजनेस होगा, एंड रेंडरिंग सर्विसेज, या हो सकता है कि वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस हो यानी खिदमात फराहम करने का बिजनेस हो। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी हमें देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने किन चीजों पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है या नहीं। अब हम इस स्टेप को डिटेल से देखते हैं। इट मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये बात कंसीडर करनी पड़ती है कि दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेज नो रिस्ट्रिक्शन, जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज यानी लगाई ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हो, कोई पाबंदी ना लगाई हो टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर बिजनेस, उस बिजनेस को स्टार्ट करने की जो हम अपने बिजनेस को जो बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं उस बिजनेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होनी चाहिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस, यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका साइज जो है वो डिसाइड करना पड़ता है। अब हम इसको रीड करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द वॉल्यूम स्केल और साइज ऑफ बिजनेस बिफोर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, यानी ये बहुत जरूरी स्टेप होता है कि हम डिसाइड करें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कि इसका वॉल्यूम स्केल और साइज किस नेचर के होंगे। देन अ बिजनेस में भी स्मॉल मीडियम और लार्ज, कि ये एक स्मॉल बिजनेस होगा, मीडियम बिजनेस होगा कि लार्ज बिजनेस होगा। तो ये कुछ सवालों का ताल्लुक यानी कुछ चीजें हमारी बिजनेस की इन तीन तीन स्टेप से रिलेटेड होती हैं, यानी हमारे बिजनेस की नेचर से रिलेटेड होती हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे? अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी हमें अपनी बिजनेस के नेचर के मुताबिक अमाउंट ऑफ कैपिटल डिसाइड करना पड़ता है। हमारा सेकेंड पॉइंट है क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्शन, बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग हमें अपनी क्वान्टिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि कितनी प्रोडक्शन हमने करनी है अपने बिजनेस में। हमारा थर्ड पॉइंट है डिमांड फॉर द गुड्स, हमें बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग अपने गुड्स की डिमांड को देखना पड़ता है कि बायर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं गुड की। अगर ज्यादा कर रहे हैं तो हमें लार्ज स्केल बिजनेस रखना पड़ेगा, उसकी नेचर है हमारी बिजनेस की नेचर लार्ज स्केल होगी, और अगर कम डिमांड है तो हमारे बिजनेस की नेचर स्मॉल होगी। देन हमारा लास्ट स्टेप है मार्केट स्कोप, हमें बिजनेस की नेचर को डिसाइड करते वक्त उसका मार्केट स्कोप भी चेक करना पड़ेगा कि इसकी मार्केट में इस नेचर की बिजनेस का मार्केट में क्या स्कोप है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब हम इसको रीड करते हैं। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप की होगी, मे बी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, या तो वो पार्टनरशिप की होगी या उसका स्ट्रक्चर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन वाहिद मलकियत, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन जो होता है, वन पर्सन ही बिजनेस को रन कर रहा है। पार्टनरशिप मीन दो या दो से ज्यादा लोग, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मीन यानी मैक्सिमम 7, 8, 10 इतने ज्यादा लोग। तो देन द सूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, यानी हमें एक सूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी एक मुनासिब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस, यानी हमें लोकेशन जगह को डिसाइड करना पड़ता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सिलेक्शन ऑफ साइट और प्लेस, यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जब उसकी जगह को हम डिसाइड कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ध्यान से उसकी जगह को उसकी लोकेशन को डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि इज एन अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। सक्सेस और फेलियर ऑफ द बिजनेस इज मोस्टली बेस्ड ऑन लोकेशन और साइट ऑफ सिलेक्टेड फॉर इट, यानी हमारी सक्सेस जो होती है किसी भी बिजनेस की सक्सेस जो होती है वो बेस करती है कि उसकी लोकेशन
क्या होगी, अगर उसकी लोकेशन बेस्ट होगी, सूटेबल होगी अकॉर्डिंग टू बिजनेस, या उसके नेचर के मुताबिक होगी, तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो बिजनेस फेल होगा और हम लॉस में सफर करेंगे और मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें लोकेशन को डिसाइड करना होता है सक्सेस और फेलियर को देखते हुए, क्योंकि हमारी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है हमारी लोकेशन पर। अब हमारा 6th पॉइंट है गवर्नमेंट इंसेंटिव, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कौन कौन से इंसेंटिव मिल सकते हैं या मिलते हैं। अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये चेक करना होता है, सम एरिया पर बिजनेस आर डिक्लेयर्ड एज फ्री टैक्स जोन, यानी टैक्स फ्री जोन के कुछ एरिया होते हैं, वो एरिया जहाँ पे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और इंटरेस्ट फ्री लोन, और जहाँ हमें इंटरेस्ट फ्री लोन यानी बिना सूद के कर्जे फराहम किए जाते हैं, इज प्रोवाइडेड फॉर पर्टिकुलर बिजनेस, कुछ खास बिजनेस को रन करने की सूरत में। द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मशीनरी, यानी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले रीड करनी पड़ती हैं, वो पॉलिसीज हमारी इम्पोर्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, यानी जो हम इम्पोर्ट करते हैं हमारा रॉ मटेरियल मशीनरी, या हम एक्सपोर्ट करते हैं, या हम एक्सपोर्ट करते हैं चीजों की, गुड्स की, तो मस्ट बी ऑब्जर्व, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीजें जिस पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज इम्पोज हैं वायर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है विद अ व्यू टू रन बिजनेस, कि हमें किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करना पड़ता है कि इसको हमें रन कैसे करना है, चलाना कैसे है। अब हमारा 7th पॉइंट है मैनेजमेंट, यानी हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैनेजमेंट बनानी पड़ती है। अब हम इसको रीड करते हैं। इट मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस दैट हाउ द अफेयर्स और वर्किंग ऑफ बिजनेस शैल बी मैनेज्ड, कि हमें किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसके अफेयर जो होंगे, उसके मामला जो होंगे, उसका जो काम होगा बिजनेस का, उसको हमने कैसे मैनेज करना है। द पॉलिसी ऑफ हायरिंग एम्प्लॉयज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क शुड बी फ्रेम्ड, कि एम्प्लॉयज को हमने कैसे हायर करना है, कैसे अपॉइंट करना है, और उनमें कैसे काम को तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क यानी हमें उन्हें कैसे काम डिस्ट्रीब्यूट करना है उन सब एम्प्लॉयज में। मोर ओवर इट इज ऑल्सो डिसाइडेड, हमें मजीद ये डिसाइड करना पड़ता है दैट आइदर ऑनर विल टेक पार्ट इन मैनेजमेंट और नॉट, कि जो ओनर होगा, जो कंपनी जिसने बनाई होगी, वो किसी मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के किसी पार्ट में काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब हमारा 8th पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी सरमाए का मौजूद होना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसको रीड करते हैं। इन प्रेजेंट मॉडर्न साइंटिफिक इरा सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, यानी किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है उसके सरमाए पे। जितना ज्यादा हमारे पास कैपिटल होगा, जितना ज्यादा हमारे पास सरमाया होगा, किसी भी बिजनेस की सक्सेस के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी डिपेंड अपॉन इट, यानी बिजनेस की हर एक्टिविटी डिपेंड करती है कैपिटल के ऊपर, कैपिटल पर। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग मशीनरी, रॉ मटेरियल एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी अगर हमने कोई जमीन खरीदनी है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, या मशीनरी लेनी है अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल लेना है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या तनख्वाहें देनी है, वेजेस देनी है, पेमेंट करनी है एम्प्लॉयज को, तो हमें कैपिटल की जरूरत होती है। नो बिजनेस कैन बी स्टार्टेड और रन विदाउट कैपिटल, कोई भी बिजनेस बिना सरमाए के स्टार्ट नहीं हो सकता। अब हमारा 9th पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, यानी मशीन की दस्तियाबी, मशीन्स का फराहम होना किसी भी बिजनेस को रन करते टाइम। प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक द मशीन अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी हमें एक मुनासिब प्लानिंग करनी पड़ती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त, के हमारे पास कौन सी मशीन का होना
जरूरी है हमारी नेचर यानी हमारी बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग। यूज ऑफ लेटेस्ट मशीनरी इज द की टू सक्सेस फॉर अ बिजनेस स्पेशली इन टफ कंपटीशन। इस टफ कंपटीशन में हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज यही मशीनरी हमें हमारी सक्सेस के लिए मार्केट में बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए हमें अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेटेस्ट मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने राइवल्स के राइवल्स राइवल्स से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। अब हमारा 10th पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, के रॉ मटेरियल की दस्तयाबी हमारे पास होनी चाहिए। Availability of standard and cheap raw material is essential to produce the goods of better quality at lower cost. यानी एक quality वाले good बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम standard म्यारी और सस्ता raw material use करें अपनी product को बनाने के लिए, ताकि उसकी quality better हो और वो लोगों को मुनासिब कीमत पर फराहम की जा सके। अब हमारा 11th पॉइंट है पावर रिसोर्सेज। अब हम इसको रीड करते हैं। पावर रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, कोल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी इजीली अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। यानी जो हमारे पावर रिसोर्सेज होते हैं, पानी, तेल, कोयला, गैस और बिजली, ये उस जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए जहां हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब हमारा 12th पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबरर्स, यानी जो हमें बंदे काम करने के लिए चाहिए होते हैं वो वहां पे जिस एरिया में हम बिजनेस रन कर रहे हैं मुनासिब कीमत पर यानी मुनासिब तनख्वाह पर अवेलेबल हो, वहां पे हमारी बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग। अब हम इसको रीड करते हैं। द एरिया वेयर बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टेब्लिश, वो एरिया वो जगह जहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टेब्लिश करने लगे हैं, जहाँ हम अपना बिजनेस रन करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ऑन रीजनेबल वेजेस, वहां पर लेबर जो है वो रीजनेबल वेजेस पर मुनासिब तनख्वाहों पर अवेलेबल होने चाहिए, दस्तियाब होने चाहिए। इतना पैसे जो कि जरूरी होता है टू रन द बिजनेस, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इफेक्टिवली और एफिशेंटली बिजनेस को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हमारा 13th पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। अब हम इसको रीड करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड प्रॉफिटेबल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। यानी किसी भी बिजनेस की फॉर्मेशन के लिए और उसको मुनाफे के साथ यानी प्रॉफिटेबल चलाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम एक्सपर्ट्स यानी टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हायर करें कि वो हमें हमारी हेल्प करें किसी भी बिजनेस को चलाते टाइम। चलाने के लिए हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट का मौजूद होना किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हमारा 14th पॉइंट है मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम इसको रीड करते हैं। फास्ट एंड चीप मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्ले वाइटल रोल इन मेकिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल एंड सेंडिंग द फिनिश गुड्स टू द मार्केट। यानी हमारे पास उस ट्रांसपोर्टेशन का ऐसी ट्रांसपोर्टेशन का मौजूद होना बहुत जरूरी है जो जल्दी और सस्ती कीमत पर हमारी चीजों को मार्केट में पहुंचा सके। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहले ही डिसाइड कर लें कि कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है जो सस्ती कीमत पर और बहुत ही फास्ट हमारी चीजों को मार्केट में पहुंचा सकती है, हमारी तैयार करदा चीजों को तैयार करदा गुड्स को मार्केट में तेजी के साथ और सस्ती कीमत पर पहुंचा सकती है। वो वाली मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें अपने बिजनेस में यूज करनी चाहिए। अब हमारा 15th पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अब हम इसको रीड करते हैं। द ट्रेडर हैज टू बी सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ बिजनेस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। यानी किसी भी बिजनेस में गुड्स को तकसीम करने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, ट्रेडर को यानी ओनर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन उसकी चीजों को कौन उसकी कौन सा शख्स उसकी प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर का रोल
प्ले करेगा, यानी सेलर से बायर तक और बायर से सेलर तक हमारी चीजों को पहुंचाएगा। उसके लिए हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करना पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट हेड है विद अ व्यू ऑफ रिजल्ट। इसका फर्स्ट यानी 16th पॉइंट अब हम रीड करते हैं। फ्यूचर ऑफ बिजनेस यानी कारोबार का मुस्तकबिल देखते हुए किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, किसी कारोबार को स्टार्ट करना। अब हम इसको रीड करते हैं। द फ्यूचर ऑफ बिजनेस मस्ट बी असेस्ड वेरी प्रिसाइसली। किसी भी बिजनेस का जो फ्यूचर होता है यानी किसी भी कारोबार का फ्यूचर हमें देखते हुए, उसका मुस्तकबिल मार्केट में देखते हुए उसको स्टार्ट करना चाहिए। द फैक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। इसमें जो टेक्नोलॉजी का हमारा फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी हमें उसको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए किसी भी बिजनेस के फ्यूचर को देखने के लिए। न्यू इन्वेंशंस इनोवेशन आर कॉन्टिन्यूसली कमिंग अप, और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी न्यू इन्वेंशन इजादात और इनोवेशन हम अपने बिजनेस में लगातार कर सकते हैं या नई नई इनोवेशन अपने बिजनेस में ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टाइमली वर्क के साथ साथ। तो हमें अपने बिजनेस में ये चीजें ऐड करनी चाहिए, यानी वो कौन सी चीजें हैं, न्यू इन्वेंशन नए इजादात और इनोवेशन, नई जो हमारे डिजाइन होते हैं स्टाइल होते हैं, ये सब हमें बिजनेस में अपने ध्यान में रखने चाहिए। जो मार्केट में डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हमें इनोवेशन अपनी प्रोडक्ट में करती जानी चाहिए करनी चाहिए। अब हमारा 17th पॉइंट है चांसेस ऑफ लॉस। हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे बिजनेस में कितने परसेंट चांस लॉस के हैं, नुकसान के हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी और रिस्क। यानी हमारे बिजनेस में रिस्क भी होता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है कि हो सकता है वो फेल हो सकता है वो सक्सेसफुल हो। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेडी रहना चाहिए कि हमें बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। देन इट इज इनएविटेबल फॉर अ बिजनेस, येट फैक्टर्स इन्वॉल्विंग चांसेस ऑफ लॉस शुड बी केप्ट इन माइंड टू अवॉइड द चांस ऑफ लॉस इन फ्यूचर। अगर तो हम कुछ चीजें अपने माइंड में याद रखें कि उन चीजों को हमने अवॉइड करना है अपने बिजनेस को रन करते टाइम, तो हम बिजनेस में अपने हमारा जो फैक्टर होता है लॉस का उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने बिजनेस में से, और इन फ्यूचर हम लॉस से बच सकते हैं। अब हमारा 18th पॉइंट है चांसेस ऑफ एक्सपेंशन, यानी हमारे बिजनेस के बढ़ने के, इंक्रीज होने के कितने परसेंट चांसेस होते हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी हमारे बिजनेस की ग्रोथ के एंड एक्सपेंशन के, उसके बढ़ने के चांसेस मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। हमें ध्यान में रखना चाहिए बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कि ये बिजनेस जो है ये ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता। While the expansion in business, किसी भी business को expand करने के लिए, उसकी expansion के लिए more capital, ज्यादा सरमाए की और power resources की हमें जरूरत होती है, may be required, इनकी दस्तियाबी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। किन चीजों की दस्तियाबी, power resources की और capital की। तो friends ये थी आज की हमारी video. If you like this video, please press the bell icon and subscribe my YouTube channel. For any queries, you can ask in public comments. Thanks for watching this video.